हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज जो है एक लंबे सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो ये सफ़र है वो दिल्ली एनसीआर से लेकर कर्नाटका तक चलेगा। तो इसको जो है मैं अपने परिवार के साथ TUV महिंद्रा की TUV 300 है उसमें करने वाला हूँ। बीच में अलग अलग जगह पे रुकेंगे। वो मैं जैसे ऐसे आगे चलता जाऊँगा कौन सा रूट ले रहा हूँ, रास्ते के क्या हालात हैं, रास्ते में क्या क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ रुक रहे हैं और आगे कितने दिनों में पहुँचते हैं, ये सब हम आगे चल के देखेंगे। तो जो सफ़र है ये काफ़ी रोमांचक भी होने वाला है और साथ में जो थकाने वाला भी होने वाला है। देखते हैं मैं कितना समय जो रोज़ गाड़ी चला सकता हूँ उस हिसाब से कब कितने समय में पहुँच सकता हूँ। जब मैं यहाँ से भी थोड़ी देर में चलूँगा, अभी तो गाड़ी में सामान वगैरह रखना है, तो उसके बाद बताऊँगा टाइम क्या हुआ है, उस हिसाब से देखेंगे कब कितने समय में पहुँचते हैं। साथ में जो गाड़ी की माइलेज है वो भी चेक हो जाएगी, लंबे सफ़र पर कैसे चलते हैं, क्या माइलेज देती है ये गाड़ी। तो इसका ट्रिप मीटर है उसको सेट कर देते हैं, तो वो 0 हो चुका है। तो अभी हम देखें तो ये दूसरे वाला है ट्रिप बी, इसको भी 0 कर देते हैं। और ट्रिप एसी के ऊपर कितना है इसको भी 0 कर देते हैं। अगर डिस्टेंस टू एम्प्टी 634 किलोमीटर बता रहा है, तो इसमें जो तेल है वो 2 बार कम हो चुका है, तो 60 लीटर तेल मैंने डलवाया है कुछ दिन पहले, थोड़ा चिर गाड़ी लोकल चली है। तो दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैं एक बहुत काम की बात बताना चाहूँगा कि जब आपको सुबह जल्दी उठकर कहीं जाना हो तो हमारी अक्सर यही कोशिश रहती है कि उस रात जो है हम जल्दी सो जाएँ ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आप उससे एक जो पहले की सुबह है, मान लो आज आप कहीं जाना चाहते हो, जो कल की सुबह है, जो बीत चुका कल है, उस दिन भी जल्दी उठें, बहुत जल्दी उठें, ताकि रात को आपको जल्दी नींद आए और आप जल्दी उठ पाएँ। अक्सर जो है ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं, हमसे भी हुई। जिस दिन सुबह जाना होता है थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, कई बार नींद जो है वो अच्छे से नहीं आ पाती। मैं थोड़ा वैसा फील कर रहा हूँ, तो बहुत ही कंफर्टेबली गाड़ी चलाऊँगा, कोई ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करूँगा गाड़ी खींचने की। तो जहाँ तक गाड़ी चल पाएगी चलाऊँगा, जहाँ पर ऐसा लगेगा कि नहीं अब थकान हो रही है रुक जाएँगे, दोबारा सफ़र शुरू करेंगे। तो अभी जो गाड़ी में सामान वगैरह रखते हैं, जो सामान है वो गाड़ी की डिग्गी में लगभग सारा आ चुका है। बड़ा सामान जो नीचे बड़ा एक अटैची है, ये एक बैग है, ये लैपटॉप बैग हैं 2, तो पानी का इंतज़ाम है, ये ट्राईपॉड है, एक जो अम्ब्रेला है छतरी यहाँ पे पड़ी है, छाता एक छोटा है, आगे भी है, लंबा सफ़र है, कहीं बारिश का भी हो सकता है तो इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको भी साथ में रखा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो बैग है इसको जो तनी है मैंने जो हेडरेस्ट है पीछे वाला उसके ऊपर लगा रखा है, इसी तरह लैपटॉप के बैग जो हैं वो भी मैंने यहाँ लगा रखे हैं। दोस्तों इसका कारण ये है कि ज़्यादातर जो सेडान वगैरह होती हैं, हैचबैक होती हैं, उनकी डिग्गी वो लॉक रहती है जब भी आप गाड़ी को स्टॉप करते हैं या अनलॉक करते हैं। लेकिन ये जो इस तरह की गाड़ियाँ रहती हैं 7 सीटर जिसमें पीछे से एंट्री होती है, तो उनमें क्या होता है जब भी गाड़ी आप अनलॉक करते हैं, मान लो कहीं पे आपने गाड़ी खड़ी करी और गाड़ी को अनलॉक किया, तो उसी के साथ जो पीछे वाला डोर है वो भी अनलॉक हो जाता है। तो ये मुझे कमी लगी इस तरह की SUV टाइप गाड़ियों में कि उस समय इससे ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सेफ्टी है, इतना ईजी नहीं होगा किसी के लिए भी सिर्फ बैग उठाए और पीछे से निकल जाए। तो सिर्फ हल्की फुल्की एडिशनल सेफ्टी के लिए इसकी जो तनिया है मैंने हेडरेस्ट पे डाल दी हैं, ताकि अगर कोई निकालने की कोशिश करे तो थोड़ा उसको टाइम लगे। तो जब सेफ्टी की बात आती है उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम ही सबसे बड़ी गेम होती है। जब हम गियर लॉक वगैरह लगा लेते हैं वो भी कोई 100% सिक्योरिटी नहीं होती गाड़ी की, लेकिन जो व्यक्ति उसको गाड़ी को किसी चीज़ को लेके जाना चाह रहा है, अगर उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो प्रॉबिलिटी होती है कि वो चीज़ आपकी बच जाए। तो ये जी पूरा हमारा सिस्टम तैयार हो चुका है जाने के लिए, तो इसको कर देते हैं बंद। तो देसी सेंस जी अपने सफ़र पे जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों जो अब स्टार्ट हो चुका है, लगभग सुबह 7:15 का टाइम है, तो पहला जो टारगेट है वो है आगरा पहुंचना। तो आगरा पहुंचने के यहाँ से कई रास्ते हैं, तो देखते हैं, मैं ईस्टर्न परिफेरी ले रहा हूँ, ईस्टर्न परिफेरी जो दिल्ली के बाहर गाज़ियाबाद और नोएडा के ऊपर से होकर एक्सप्रेसवे जाता है, तो उसके ऊपर जाने के बाद आगे चलकर देखते हैं आगरा जाने के लिए, जहाँ तो फिर जो
एक जमुना एक्सप्रेसवे है वो लिया जा सकता है, या फिर जो पलवल वाला पुराना रोड है NH उसके द्वारा भी जो पहुंचा जा सकता है आगरा। तो थोड़ा आगे चल के डिसाइड करते हैं क्या करना है। पे जी एक टर्न लेकर तो हम ईस्टर्न पेरिफेरी पे चढ़ जाएंगे। ईस्टर्न पेरिफेरी पूरा का पूरा टोल्ड रोड है, तो इस पे चढ़ने से लेके जब तक आप इससे उतरते नहीं है तो आप टोल लगता है। ऑटोमेटिक टोल बैरियर है ये, गाड़ी के जो फास्टैग लगा है उसी से रीड करके चल पड़ता है। लेकिन स्पीड चाहे 100 की हो 80 की हो, आप देख सकते हैं बाईं तरफ काफ़ी रिपेयर का काम चल रहा है। एक्सप्रेस वे बने ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 4-5 साल हुए हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है इसके ऊपर रिपेयर का काम कहीं ना कहीं चलता रहता है। थोड़ा जल्दी में बना था, उसके भी कई कारण थे, सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें प्रेशर था, ये कि यहाँ पर भी इसको लेफ्ट में काम चल रहा है। तो स्पीड लिमिट चाहे 100 की हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 100 की स्पीड को फॉलो करना इतना आसान रहेगा। काफ़ी जगह पर बम्पी है, अगर मैं हाईवे की बात करूँ ईस्टर्न पेरिफेरी, ख़ास तौर पर यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट पे बीच में यहाँ पे भी अंडरपास दे रखा है हाईवे के, वहाँ पे सीमेंटेड रोड नहीं है। वैसे तो ईस्टर्न पेरिफेरी है सीमेंटेड है, लेकिन बीच में यहाँ किसी भी जगह पे अगर अंडर पास है तो वहाँ पे जो नॉर्मल कोल्टार बजरी वगैरह रहती है उससे रोड को बनाया हुआ है। तो वहाँ पे जहाँ पे जॉइंट होता है जो सीमेंट और अंडर पास आता है वहाँ पे ये काफ़ी बम्पी हो जाता है। अभी यहाँ पे मैंने देखा है 120 की स्पीड लिखी हुई है, तो उसी को टच करने की कोशिश करते हैं। टोल दिया है, जितनी स्पीड का टोल दिया है कम से कम उतनी तो चलानी चाहिए। ओ तेरी, ओहो बहुत ज़्यादा बम्पी है, पता नहीं 120 पे थी गाड़ी, मुझे लग रहा है कि चाहे इसके ऊपर स्पीड लिमिट 120 दे रखी है, लेकिन ये हाईवे नहीं। आप थोड़ा अगर आप आ रहे हैं इस पे ऊपर ध्यान से रख रहें, बहुत बहुत ज़्यादा बम्पी है। अगर आप छोटी गाड़ी में हैं तो रिस्क और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि टायर छोटे होते हैं, आपको पता है ब्रेकिंग वगैरह का सिस्टम भी रहता है। इसमें भी काफ़ी झूले मिल रहे हैं। तो हाईवे की जो मैक्सिमम लिमिट है स्पीड की वो तो 120 दे रखी है, लेकिन मैंने गाड़ी स्लो कर ली है, अभी 100 पे आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा बम्पी है गाड़ी, आपको पता है जो SUV है या स्कॉर्पियो वगैरह गाड़ियाँ होती हैं इनमें बॉडी रोल भी काफ़ी रहता है, आपको जूठे काफ़ी आते हैं। तो थोड़ा सेफ्टी का पॉइंट से मैंने स्पीड कम कर ली। बहुत ज़्यादा बम्पी रोड है, कई बार बहुत भयंकर भयंकर झटके लगते हैं। ये देखिए ये एक्सप्रेस वे है जी हमारा, तो जो भी है सो है, अब इसी का इस्तेमाल करना है। काफ़ी कोशिश करी कि स्पीड मेंटेन करूं, सामने देखिए कैसे गाड़ी उछल रही है, अगर वीडियो में समझ में आ रहा है। दोस्तों एक चीज़ मुझे अभी अभी पता चली, जब मैंने जो जमुना एक्सप्रेसवे है, काफ़ी फेमस एक्सप्रेसवे है, अगर आप आगरा जाना चाह रहे हैं, 8-9 साल लगभग 10 साल याद नहीं है एग्जैक्टली कब बना था, काफ़ी अच्छा वो एक्सप्रेसवे बना था। तो मैंने सोचा था कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लेने के बाद जो है जमुना एक्सप्रेसवे लेके आगरा चले जाएंगे। जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है और जमुना एक्सप्रेसवे वो क्रॉस तो करते हैं,
लेकिन इनका आपस में कोई एंट्री एग्जिट का साधन नहीं है। अगर आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे आ रहे हैं और आगरा जाना चाह रहे हैं, जहाँ तो फिर आप 8-9 किलोमीटर पहले एग्जिट करें और मैप पर देख लें अच्छे से, नहीं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि आप पलवल जाएं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे जाते हुए, और फिर पलवल से जो है वो आप आगरा जाएं। तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम सीधा पलवल जाने के बाद जो है आगरा जाएंगे। तो यूपी से हम हरियाणा में इंटर कर चुके हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि दोनों एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई एंट्री एग्जिट बनाया नहीं गया, इनका कोई संगम ही नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, क्या कर रहा, शायद वो एक प्राइवेट एक्सप्रेसवे है इस वजह से नहीं हो पाया, पता नहीं जो भी है, लेकिन ये सच्चाई है कि इनका आपस में एंट्री एग्जिट नहीं है। तो आपको बड़े ध्यान से प्लान करना होगा अगर आप इस चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं, आगरा जाने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, जब ये एक्सप्रेसवे बना था तो इसको ग्रीन एक्सप्रेसवे माना गया था। अगर आप दाईं तरफ देखें तो रैक नज़र आएगा, एक ऐसे बहुत सारे रैक बने हुए थे, फ्रेम बने हुए थे, जिनके ऊपर सोलर पैनल वगैरह लगाए गए थे। अब मुझे नहीं पता जो लाइट्स है कैसे जल रही हैं, इसके ऊपर कहाँ से वो एनर्जी लेती हैं, लेकिन वो सारे के सारे सोलर पैनल अब उठ चुके हैं। और जब ये एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हुआ था, बना था, तब बहुत बार खबरों में आया था कि लोग जो हैं इस हाईवे से अपना जो बैटरीज हैं, जो पैनल हैं, वो उखाड़ के ले गए। सरकार ने तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि भाई ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाएंगे हम, जिसके जो लाइटिंग का सिस्टम है वो सारा जो है सोलर नाती से चलेगा, बैटरीज काफ़ी लगाई गई, सोलर पैनल लगाए गए। लेकिन हुआ ये कि भाई समय के साथ वो सारा जो सिस्टम है लोग वो ले गए। अभी दाईं तरफ एक और क्या है, शायद आपको नज़र आ गया हो, वो तो है कई बार। अभी हम शायद इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। सामने एक टोल आ चुका है, तो ये जो मुझे लग रहा है पलवल वाला ही एग्जिट है। ये क्या हो रखा है, आगे देखिए सामने कहीं पे भी ये रेड लाइट वाइट का कोई सिस्टम नहीं है। वो ट्रक वाला भी परेशान है, तो हम भी थोड़ा हो गए, फंस गए। नीचे लाइट लगी हुई है जो नज़र नहीं आती, ऊपर कोई लाइट नहीं लगी है कि जिससे ये पता चल जाए कि कौन सी लेन चालू है, कौन सी खुली है। थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात, तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन परेशानी होती है लोगों को। तो अभी जो है हम एक्सप्रेसवे के ऊपर लगभग 90 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। तो आज 8:06 हुए हैं सुबह के, तो लगभग हमें 50 लगे हैं। और काफ़ी बम्पी राइड रही है जो एक्सप्रेसवे की, और जो सारी गाड़ियां यहाँ पे आकर इस तरह लग रही हैं। अगर आप आए हैं एक्सप्रेसवे पे 100-120 की स्पीड पे, बाद में टोल पे इस तरह से समय ख़राब होता है, तो पीछे लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। गलती से मैं आगे आ गया था, कोई ऑप्शन नहीं है कि लाइन को बीच में घुसना पड़ेगा, सारे लोग ऐसे घुस रहे हैं। वो ट्रक वाला भी देखिए कोशिश कर रहा है घुसने की। अगर लाइट ऊपर लगी हो, हाइट पे लगी हो, तो दूर से नज़र आ जाता है कौन सी जो लेन है वो चालू है, कौन सी बंद है। तो भाई जाने दो ट्रक वालों को, गाड़ियां वाले देखे क्या कर रहे हैं ये भाई। मतलब ठीक है, एक मिनट लग जाएगा, इतना बड़ा ट्रक है, उस भाई को भी जाना है। लग गई तो बाद में ट्रक वाले का दोष। अब देखो ट्रक घूम रहा है, ये गलती होती है दोस्तों। अगर स्कॉर्पियो थोड़ी सी और ट्रक के पास होती, जब ट्रक घूम रहा है पीछे से इतना ज़्यादा घूमेगा, और उस समय जो गाड़ी का है नुकसान हो सकता है। देखो उसको काफ़ी मुश्किल हो रही है, अगर उसको थोड़ी जगह मिलती तो अच्छे से गाड़ी घुमा लेता आगे पीछे करके, उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। चलिए, वो भाई भी गया। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर मोड़ वगैरह हो, गाड़ी जो बस हो या ट्रक हो, इसके बिल्कुल साथ गाड़ी स्टार्टर अपने खड़ी ना करें, क्योंकि जब गाड़ी घूमेगी पीछे से काफ़ी बाहर की तरफ जो गाड़ी निकलती है घूमने के साथ, तो घूमने के साथ तो उससे जो नुकसान होता है, स्क्रैच वगैरह लग सकते हैं, अक्सर होता है। लोग इस बात को, इसका ध्यान नहीं देते हैं तो नुकसान होता है।
ये क्या लिखा हुआ है भाई, अगर आप पढ़ें, वेलकम टू ईस्टर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये तो नाम नहीं है इसका, मेरे हिसाब से तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, हो सकता है बदल गया हो भाई, पता नहीं चलता आजकल कब किस चीज़ का नाम बदल जाए, कब नाम बदल दिया जाए। यहाँ पे भी थोड़ा रिपेयर का काम चल रहा है और डिवर्जन कर रखी है काफ़ी जगह, मैं हर जगह रिकॉर्ड तो नहीं किया है, लेकिन अगर ये गाड़ी 90 किलोमीटर चली है तो लगभग ये कह लीजिए एवरेज 6-7 किलोमीटर पर कहीं ना कहीं पैच वर्क रिपेयर वर्क जो है वो होता हुआ नज़र आया। ये आगरा का एग्जिट है तो स्पीड लिमिट इन्होंने एग्जिट के ऊपर 60 बोली है भाई, 60 पे चले जाते हैं। अब हम आ चुके हैं पुराने दिल्ली आगरा रोड पर। दोस्तों ऐसी सिचुएशन रोड पर अक्सर मिल जाती है कि दाई तरफ भी जो है वो दाई लेन में ट्रक चल रहा है, सेंटर लेन में भी ट्रक चल रहा है। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में जाकर भी अपनी गाड़ी को पास करना चाहें तो एकदम से कभी ना जाएं, थोड़ा टाइम लें। आपको नहीं पता होता कई बार जो बाएं वाली लाइन है, जैसे इस समय देखिए बंद हो रखी है, ये दिखता नहीं है। अगर आप एकदम से मूव करेंगे दाएं से बाएं या बाएं से दाएं बिना देखे, तो हो सकता है सामने कोई गाड़ी खड़ी हो या स्लो स्पीड पर गाड़ी जा रही हो, तो काफ़ी जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हमेशा जब आपको 100% श्योरिटी हो कि सामने जो है वो रास्ता क्लियर है और सामने कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, आप निकल सकते हैं। बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं वो लेन चेंज करते समय, सामने बड़ी गाड़ी जा रही होती है, समझ में नहीं आता बाएं क्या है दाएं क्या है, लोग बहुत स्पीड से आकर जो है वो टर्न ले लेते हैं और सामने उनको कोई ना कोई गाड़ी खड़ी मिल जाती है, जहाँ कोई और दिक्कत होती है कि वो उससे वो टकरा जाते हैं जिस तरह से मशीन खड़ी हुई है। तो इसलिए अगर बस है या ट्रक है जिसके सामने आपको नज़र नहीं आ रहा, आप उसके पीछे चल रहे हैं, थोड़े दूरी बना लें, क्योंकि अगर आप दूरी बना लेंगे तो आपको जो उसके बाएं या दाएं तरफ है लेन में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये लेन में आगे एक बैल है, मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, तो कितना ख़तरनाक है वैसे। देखिए ये एक और टोल आ गया है, जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे मामला फंस चुका है, अभी ट्रक जा रहे हैं और बाई लेन में क्या है नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा दूरी बना लिया है। वो देखिए दोनों ट्रक सेम स्पीड पे जा रहे हैं, इधर अगर आप देखो तो जगह नहीं बन रही है, तो जब तक आप इतना क्लियर नहीं हो जाता, जब बाई लेन वहाँ पे गाड़ी है उस ट्रक के पैरेलल, उसको निकलने में मुश्किल हो रही है, सामने कुछ होगा। एक और गई तो हम भी कोशिश करते हैं, अभी ऑटो है आगे, फिर एक ट्रक स्लो है जी साइड पे हो गया है। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जो इंडिया में जो रूल होते हैं कई बार कॉपी पेस्ट हम मार लेते हैं बाहर से, उनको फॉलो करना ट्रैफिक रूल्स को मुश्किल हो जाता है। देखिए आप कह रहे होंगे क्या बात है ये, अब बाय रूल ये है कि जो हैवी गाड़ियां हैं ट्रक हैं वो बाई लेन में चले, जो बिल्कुल बाई लेन है, बस है जो हैवी गाड़ियां उनको बाई लेन में चलना चाहिए, ये रूल है। लेकिन आप सोचिए एक गाड़ी जो है वो हैवी है, जो है माल लदा हुआ है, और वो उस लेन में कैसे चल पाए जिसमें बैलगाड़ी चल रही है, जिसमें ऑटो चल रहा है, और जो स्लो स्पीड की चीज़ें हैं, क्योंकि अपने हाईवे पे सब कुछ चलता है। अगर उसी लेन में जो बाई लेन है उसमें वो बड़े बड़े ट्रक भी घुस जाएंगे तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। तो ये रूल है, पता नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट मार रखा है, इसलिए जो ट्रक वाले हैं वो सेफ्टी के लिए या तो वो सेंटर लेन पकड़ के चलते हैं अपनी, या वो दाई लेन पकड़ लेते हैं। अब दाई लेन हाई स्पीड लेन होती है,
लेकिन उनकी भी मजबूरी है। अब कई बार हमें समझना चाहिए कि भाई जिस लेन में ऑटो चल रहा है, जिसमें बैलगाड़ी चल रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है, उसी लेन में ट्रक कैसे चल सकता है। उसी लेन में आगे देखिए साइकिल वाला भी उसके पास चल रहा होता है। अगर आप, मैं आगे थोड़ा दिखाता हूँ तो साइकिल भाई साहब जा रहे हैं तो जो बाई लेन के पास में ही हैं, पैदल चलने वाले भी बाई लेन के पास में रहते हैं, तो मुश्किल है। तो इसलिए इनको वो रूल तोड़ना पड़ता है, जो बाई लेन में नहीं चल सकते बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। अब दोस्तों ये जो आगरा वाला हाईवे है मथुरा से पहले, इस पर कोल टार वगैरह जो है बजरी वगैरह दोबारा डली है, तो इस वजह से जब लेन मार्किंग नहीं हो रखी, लेन मार्किंग का बहुत बेनिफिट होता है, ख़ासतौर पर जो बाइक्स वगैरह है वाले लोग जो बाइक पे जाते हैं, या कोई भी स्लो मूविंग व्हीकल है, वो कोशिश करते हैं कि मैं लेफ्ट वाली लेन को मेनटेन करके चलूँ। लेन मार्किंग ना होने की वजह से मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, ऐसे लग रहा है कि जो बाइक्स पे लोग हैं यहाँ, जैसे वो सामने देखो ऑटो है बिल्कुल रोड के सेंटर में चल रहा है, अभी मैं पास में ऑटो आपको नज़र आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में है। जब लेन होती है तो थोड़ा बंदे के ऊपर में, वो आगे बाइक वाला है तो वो भी बिल्कुल सेंटर में चल रहे हैं, तो एक इसमें इम्पैक्ट तो पड़ता ही है लेन होने से। तो लेन हो तो ये लोग कोशिश करते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए बाएँ चलें, नहीं पता चलता है तो हो सकता है थोड़े समय बाद इस पर लेन मार्क कर दी जाए, अभी नया बना है। ये तीसरा टोल आया है, अगर मैं देखूं पलवल से लेके आगरा के बीच में अभी तक तीसरा टोल आ चुका है, 500 मीटर दूर बता रहे हैं। तो पिछली बार मैं देखना भूल गया था कि टोल का रेट क्या है, यहाँ पे शायद लिखा हुआ है जो कार जीप है 120 रुपए लिख रखा है, वो तो बाद में हिसाब करेंगे कि भाई टोटल कितने का टोल लग गया और कितने का तेल लग गया। तो इस वीडियो सीरीज जो होगी इसके लास्ट में जाकर वो सब हिसाब किताब एक साथ किया जाएगा। ये भी देखने की कोशिश की जाएगी कि अगर ट्रेन में मतलब फर्स्ट एसी, सेकंड एसी या थर्ड एसी के हिसाब से, स्लीपर के हिसाब से जाते, यही रूट रखते तो क्या खर्चा लगभग आ सकता था, क्या बेनिफिट हो सकते थे अपनी गाड़ी में जाने से या ट्रेन में जाने से। तो वो सारी चीज़ें हैं, उनका हिसाब किताब जो लगाएंगे जब जब पूरा ट्रिप ख़त्म हो जाएगा, तो एक डेडिकेटेड वीडियो उसी के लिए बनाई जाएगी। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे साथ बने रहें पूरे ट्रिप के ऊपर।